प्लीज ध्यान रखिएगा, अब हम लोग आ चुके हैं 35.4 में। ये जो 3 से 4 पेज के नोट्स हैं, मेनली हम लोग 3 से 4 एग्जाम्पल्स को कर रहे हैं जो एग्जाम्स में केस स्टडी बन सकती है और जो गवर्नमेंट ने हमें सर्कुलर के थ्रू एक सिचुएशन बताई है। अगेन हम लोग सर्कुलर पे ही हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट नाउ एक यहाँ पर सिचुएशन कवर किया, वो भी सर्कुलर के ही थ्रू एक्सप्लेनेशन था। इसके पहले भी हमने एक और एग्जाम्पल पेज नंबर 2 में कवर किया, वो भी सर्कुलर के ही थ्रू था। सर ध्यान रखिएगा, ये 4 पेज का चैप्टर है, बट ये चैप्टर नहीं है। ये हम 3-4 एग्जाम्पल्स जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड हैं, गुड्स और सर्विसेज और रिफंड से रिलेटेड है, उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये एग्जाम के लिए बहुत खास होने वाला है। एटलीस्ट अगर पूछा इंस्टीट्यूट ने, ऑल्दो पुराना है, ऑल्दो अभी का नहीं है, 2018 का है, ठीक, लेकिन एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। कभी भी इंस्टीट्यूट इससे केस स्टडी कोई एग्जाम्पल सेट कर सकती है 4 से 5 मार्क्स का। इजी है, आउटसोर्सिंग से रिलेटेड है। क्या कहता है, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस आउटसोर्स अ पोर्शन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। देखिए क्या हुआ है, ए लिमिटेड इंडियन एंटिटी है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, सप्लायर ऑफ सर्विसेज। सर बी लिमिटेड रेसिपिएंट है सर्विस रेसिपिएंट, तो बेसिकली कुछ काम कराना था इससे, $1,00,000 का, ऐसे समझिए $1,00,000 का बी लिमिटेड को, बी लिमिटेड जो सर्विस रेसिपिएंट है, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को हायर किया कि आप मेरे लिए काम कर दो, $1,00,000 दूंगा। उसमें से कुछ काम ए लिमिटेड ने क्या किया, बाहर की ही कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, सी लिमिटेड। मान लो मैंने यूएस की ही कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, ये भी यूएस की ही कंपनी थी और ये इंडियन एंटिटी है, तो बेसिकली क्या हुआ, सर्विसेज इसने दे दी कुछ पार्ट, तो सर बी लिमिटेड को पूरी की पूरी सर्विसेज में से कुछ सर्विसेज किससे मिली, सी लिमिटेड से मिली, और कुछ सर्विसेज किससे मिली, ए लिमिटेड से मिली। बी लिमिटेड ने किसको अप्रोच किया, ए लिमिटेड को, कि भाई मुझे ये सब काम आपसे करवाना है। कुछ काम ए लिमिटेड ने सर्विस दे दिया और कुछ उन्होंने, ए लिमिटेड ने काम आउटसोर्स कर दिया किसको, सी लिमिटेड यूएसए को, कि भाई मेरे बिहाफ में तुम बी लिमिटेड को ये सब काम करके दे दो। ये ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर है। अब ये देखते हैं कि पैसा कहां कहां कैसे कैसे मूव किया। इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज आउटसोर्स अ पोर्शन ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द सेड पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द हैंड्स ऑफ एक्सपोर्टर। देर आर मेनी इंस्टांसेज वेयर द फुल कंसिडरेशन फॉर द आउटसोर्स सर्विस इज नॉट रिसीव्ड बाय द एक्सपोर्टर इन इंडिया। सर ये एक्सपोर्टर है, टोटल मान लो इसमें अमाउंट तो है नहीं ना, आगे 60% और 40% की बात हो रही, चलो ऐसा ही ले लेते हैं। टोटल $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था, जिसमें से $60,000 इंडिया रिसीव हो गया और मैंने इस आदमी से इसको $40,000 दिलवा दिया। भाई पैसा इंडिया आए फिर मैं सी लिमिटेड को दूं, इससे अच्छा है कि मैंने बी लिमिटेड को बोला देखो आपका काम हो जाएगा $1,00,000 का, कुछ मैं आपको इंडिया से सर्व करूंगा और कुछ मैंने आउटसोर्स कर दिया है सी लिमिटेड को, वो आपको सर्विस दे देगा। ऐसा करना, $40,000 वहां भेज देना मेरे लिए और वहां मेरे लिए कितना भेज देना इंडिया में, $60,000। अब अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन में जाते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन में जाते हैं, तो वहां क्या कहा हुआ था, फॉरेन करेंसी इंडिया में आनी चाहिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट तभी मिलेगा।
लेकिन इसमें तो फॉरेन करेंसी इंडिया में खाली लिमिटेड वे में आई, 60% 60,000 डॉलर आई। तो फाइनली अब हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कैटेगरी में 1 लाख डॉलर लेंगे, 60,000 लेंगे, क्या लेंगे हम इस एक्सपोर्टर को जो बेनिफिट देंगे रिफंड का, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, वो 1 लाख डॉलर के हिसाब से देंगे या 60,000 डॉलर के हिसाब से देंगे, क्योंकि 40,000 डॉलर तो इंडिया आया ही नहीं। और फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? बी लिमिटेड ने किसको अप्रोच किया? ए लिमिटेड को। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को अप्रोच किया, ए लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर दिया किसको? सी लिमिटेड को। और सी लिमिटेड ने एक्चुअल सर्विस रेंडर कर दी। ये भी यूएस का है, ये भी यूएस का है, ये इंडिया का है। तो अल्टीमेटली हम इसे एक्सपोर्टर की बेनिफिट्स देंगे या नहीं देंगे, क्या कंडीशंस फुलफिल करना होगा? बहुत अच्छा क्लैरिटी है ये, एग्जाम में जरूर आना चाहिए इससे रिलेटेड बात। क्या कहता है? वेयर एन एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया इज सप्लाइंग सर्टेन सर्विसेज टू अ रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आइदर होली और पार्टली थ्रू एनी अदर सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द फॉलोइंग टू सप्लायर्स आर टेकिंग प्लेस। एक जो एक्सपोर्टर सर्विसेज दे रहा है डायरेक्टली टू द रेसिपियंट को 60,000 डॉलर के हिसाब से, दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया टू अ रेसिपियंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर द फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। चलो सर, फुल ही मानेंगे इसको। दूसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया फ्रॉम द सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विद रेस्पेक्ट टू द आउटसोर्स पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे समझो ये बिल टू शिप टू मॉडल है, ऐसे समझो ये बिल टू शिप टू मॉडल है, जिसमें सी लिमिटेड बिलिंग तो करेगा इसको, सर्विसेज देगा यूएस वाली एंटिटी को, पेमेंट भी यूएस वाली एंटिटी से शायद उसको मिल जाए। तो अल्टीमेटली इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक ये 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा ये 40,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपोर्टर के लिए सी लिमिटेड की सर्विस इनपुट कहलाएगी, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को कहा कि जाके मेरे लिए बी लिमिटेड को ये काम कर दो। तो सी लिमिटेड जो भी सर्विसेज दे रहा है वो ए लिमिटेड के लिए क्या कहलाएगी? इनपुट सर्विसेज, सब कॉन्ट्रैक्ट के काम में। चलिए अच्छी बात है। दस द टोटल वैल्यू ऑफ द सर्विसेज एज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया एंड द रेसिपियंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इट इज क्लैरिफाइड दैट द सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया वुड बी लाइबल टू पे IGST ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ दैट पोर्सन ऑफ सर्विस विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाई द सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू द रेसिपियंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड है ना, ए लिमिटेड इंडियन है, बी लिमिटेड ने काम दिया, सी लिमिटेड आउटसोर्स है। चलिए मैं बैठाता हूँ, देखिए फिर से ABC, एक्सपोर्टर ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ये सी लिमिटेड है। ये बात हो रही है ए एंड बी के बीच में 1 लाख डॉलर को लेके, ये बात हो रही है बी एंड सी को लेके 40,000 डॉलर में। जब भी कंफ्यूजन हो ना तो आप ऐसे एबीसी बैठाते रहिए, कोई भी एग्जाम्पल आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ए कौन है? इंडिया का सप्लायर। बी कौन है? मेन कॉन्ट्रैक्ट पर्सन, मेन रेसिपिएंट जो बोल रहा था मुझे 1 लाख की सर्विस चाहिए। सी लिमिटेड कौन है? जिसको हमने आउटसोर्स किया, थर्ड पार्टी। तो बैठा दोगे तो आपको सही सही सब कुछ समझ में आ जाएगा। सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया ए लिमिटेड वुड बी लाइबल टू पे IGST ऑन रिवर्स चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ दैट पोर्सन विच हैज बीन प्रोवाइड बाय द सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। बी लिमिटेड ने, सी लिमिटेड ने, सी लिमिटेड ने जो सर्विसेज बी लिमिटेड को दी वो सर्विसेज इम्पोर्ट कहलाएगी सर्विसेज की, किसके लिए? ए लिमिटेड के लिए, और उस पर IGST में, रिवर्स चार्ज में IGST इंडिया में पे करना पड़ेगा। अच्छा सर, ऐसा करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा।
अगर ऐसा करते हो, फर्दर मोर द सेट सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया ए लिमिटेड वुड बी एलिजिबल फॉर टेकिंग आईटीसी ऑफ द आईजीएसटी सो पेड। अभी मैं एक और चार्ट बनाता हूँ क्लैरिटी के लिए। दस इवन इफ द फुल कंसिडरेशन फॉर द सर्विस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज नॉट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज इन इंडिया ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेसिपियंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हैज डायरेक्टली पेड टू द सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर द आउटसोर्स पार्ट ऑफ सर्विसेज दैट पोर्सन ऑफ कंसिडरेशन शैल ऑल्सो भी ट्रीटेड एज अ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोवाइडेड आईजीएसटी इंडिया में पे किया हुआ हो से इम्पोर्ट बोल के एंड आरबीआई से इस बात की परमिशन ले रखी हो हमने। आरबीआई बाय जनरल इंस्ट्रक्शंस और स्पेसिफिक अप्रूवल हैज अलाउड दैट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सच एक्सपोर्ट कैन बी रिटेन्ड आउटसाइड इंडिया। फिर से मैं एक चार्ट बना देता हूं आपके लिए। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को अप्रोच किया, अप्रोच फॉर सर्विसेज डॉलर 1 लाख, राइट। ये यूएसए में है, ए लिमिटेड इंडिया। तो ये कौन हो गया एक्सपोर्टर इन इंडिया, लेकिन एक्चुअल फॉरेन करेंसी रिसीव्ड, एक्चुअल फॉरेन करेंसी रिसीव्ड कितनी हुई है? 60,000 ओनली। क्यों? क्योंकि इसमें से 40,000 डॉलर की पेमेंट जो हुई है वो सी लिमिटेड यूएसओ को हुई है, यूएसए को। कौन है सर ये? ये ए लिमिटेड ने काम आउटसोर्स कर दिया, वर्क आउटसोर्स टू सी लिमिटेड। ये बेसिकली बिल टू शिप टू मॉडल है, बिल टू शिप टू मॉडल है जो हम लोग टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ते थे, राइट। सी लिमिटेड विल प्रोवाइड सर्विसेज टू बी लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ ए लिमिटेड। सी लिमिटेड विल इशू इनवॉइस टू ए लिमिटेड, पेमेंट बाय थर्ड पार्टी, पेमेंट बाय थर्ड पार्टी। कैसे सर? ए लिमिटेड हैज इंस्ट्रक्टेड बी लिमिटेड टू रिलीज $40,000 टू सी लिमिटेड। देर इज नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, ये ध्यान रखना। अब जो सर्विस है, सर्विस बाय सी लिमिटेड टू बी लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ ए लिमिटेड, ये कहलाएगी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए लिमिटेड, राइट। इस पे रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी पे करेगा कौन? ए लिमिटेड, और उसका आईटीसी भी ले लेगा। कौन ले लेगा आईटीसी? ए लिमिटेड ही ले लेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहलाएगा ये। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहला रहा है, रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे कर रहा है, आईटीसी भी ले रहा है, तो फिर ऑल्दो इवन इफ फॉरेन करेंसी ऑफ डॉलर 60,000 नेट इज रिसीव्ड इन इंडिया
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वैल्यू कितना कहलाएगी? 1 लाख डॉलर ही कहलाएगी। भले इंडिया में 60,000 रुपए आए हैं डॉलर, ये सर्विसेज जो हुई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये नॉर्मल 1 लाख डॉलर ही कहलाएगी। खाली दो कंडीशन हो गया, एक तो आरबीआई की परमिशन लेके, आरबीआई का अप्रूवल लेके हमने वो 40,000 पास ऑन किया हो, आरबीआई की अप्रूवल हो इसमें, एंड दूसरा हमने रिवर्स चार्ज में इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोल के उस पर आईजीएसटी पे कर दिया हो। किसी भी एग्जाम्पल को समझने के लिए आप वहां पर जितने भी नाम सब आ रहे हैं ना, वहां पे ए बी सी करके बैठा दोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं फिर से आपको बैठा दूं, यहां पर बैठाना चाहता हूं, यहां पर मैं बैठाना चाहता हूं ए बी सी आपके लिए। मान लो देखिए, फिर से मैं बैठा रहा हूं, ए बी सी खाली लिखूंगा। इफ द इट इज क्लैरिफाइड दैट द सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया, ये ए है, वुड बी लाइबल टू पे आई जी एस टी ऑन रिवर्स चार्ज बेस्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ दैट पोर्सन विच हैज बिन प्रोवाइडेड बाय सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सी, टू द रेसिपियंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बी। फर्दर मोर द सेट सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया ए वुड बी एलिजिबल टू टेक आई टी सी ऑफ आई जी एस टी सोपेड। अभी मैंने बताया ए को आई टी सी मिल जाएगी, ए ही पे करेगा, यही पे करेगा, ए के लिए ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी, ए को ही क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। सर्विस सी लिमिटेड दे रहा है बी को, लेकिन वो इंपोर्ट कहलाएगी ए के लिए, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ ए ही तो जा रहा है, ए ने ही तो कहा था सी को कि जाके बी को 40,000 डॉलर की सर्विस दे दो, तो सी की सर्विस हमेशा इनपुट सर्विस कहलाएगी। फॉर ए लिमिटेड इनवर्ड सप्लाई कहलाएगा कौन, सर्विसेज ऑफ सी लिमिटेड, राइट, और आउटवर्ड सप्लाई कहलाएगा सर्विसेज टू बी लिमिटेड, नथिंग एल्स। और सर लिखना है, यहां लिखते हैं, इवन इफ द फुल कंसिडरेशन फॉर द सर्विस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज नॉट रिसीव्ड, नहीं हुआ है, 60,000 ही आए, 40,000 नहीं आए, ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेसिपियंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हैज डायरेक्टली पेड, ये बी की बात हो रही है, रेसिपियंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली पेड टू द सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये सी की बात हो रही है, फॉर द आउटसोर्स पास्ट दैट पोर्सन ऑफ द कंसिडरेशन विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोवाइडेड। जो पैसा इंडिया नहीं आया, बाहर के बाहर पे ऑफ हो गया 40,000 डॉलर, उसको भी हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इंडिया का पार्ट मानेंगे, यानी इंडिया से जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हुई है वो 1 लाख डॉलर हुई है, 60,000 डॉलर नहीं हुई है। अगर दो कंडीशन, हमने वो 40,000 डॉलर को इंडिया में रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी इंपोर्ट मान लिया है, एंड आरबीआई से जनरल और स्पेसिफिक अप्रूवल हमने ले लिया है उस पैसे को बाहर के बाहर ही पे करने का, रिटेन करने का। मोटा मोटी सवाल क्या था? सवाल ये था कि इंडिया में 1 लाख डॉलर का काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन पैसा 60,000 डॉलर ही आया, क्योंकि इंडियन एंटिटी ने 40,000 डॉलर का काम बाहर के एंटिटी को आउटसोर्स कर दिया। तो अल्टीमेटली अब इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 60,000 का कहेंगे या 1 लाख का कहेंगे? आंसर क्या आया? 1 लाख का कहेंगे, 1 लाख का कहेंगे। खाली तुम आरबीआई से परमिशन ले लो और वो जो 40,000 की सर्विसेज है उसको इंडिया में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मान के आईजीएसटी पे कर दो, रिवर्स चार्ज में तुमको उसका आईटीसी मिलेगा एक्सपोर्टर को, किसको, ए लिमिटेड को, इनपुट कहलाएगी सी लिमिटेड की सर्विस, इनपुट कहलाएगी ए लिमिटेड के लिए। सर सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो मैं तुम्हारी लैंग्वेज में सिखाता हूँ। मिस्टर ए एक स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हो, आपने किसी कोचिंग सेंटर को अप्रोच किया, कोचिंग सेंटर को अप्रोच किया टैक्स की क्लास के लिए, किसी कोचिंग सेंटर को, ठीक, मिस्टर ए स्टूडेंट ने कोचिंग सेंटर को अप्रोच किया टैक्स की क्लास के लिए 10,000 रुपए में। उस कोचिंग सेंटर ने मेरे से बात कर ली, सूरज अग्रवाल सर से, कि भाई आप बच्चे को पढ़ाओ। तो बच्चे के टच में कौन आ गया? मैं आ गया। लेकिन अब अगर इसको देखो तो कोचिंग सेंटर के लिए मेरी सर्विसेज क्या है? इनवर्ड सर्विसेज,
इनवर्ड सर्विसेज। और जो एक कोचिंग सेंटर वाला मिस्टर ए को सर्विसेज दे रहा है, ये क्या है कोचिंग सेंटर के लिए? आउटवर्ड सप्लाई। मुझे स्टूडेंट से पैसा थोड़ी ना मिलेगा, स्टूडेंट ने 10,000 रुपए कोचिंग सेंटर को देने हैं, कोचिंग सेंटर वाले ने मान लो 6,000 रुपए मुझे देने हैं, ठीक। अब कोचिंग सेंटर ने स्टूडेंट को क्या बोला, सुनो सुनो सुनो, 10,000 की फीस में से 6,000 सूरज सर के अकाउंट में डाल दो, 4,000 मेरे यहाँ डाल दो। तो उससे कॉन्ट्रैक्ट का नेचर चेंज नहीं होता है। कोचिंग सेंटर वाला स्टूडेंट से 10,000 लेके मुझे 6,000 दे दे, या फिर कोचिंग सेंटर वाला स्टूडेंट को क्या बोले, सुनो 6,000 सूरज सर के अकाउंट में डाल दो, 4,000 हमारे अकाउंट में डाल दो, क्या होगा? इन सबसे कुछ नहीं होगा सर। अल्टीमेटली सूरज अग्रवाल की सर्विस कोचिंग सेंटर के लिए इनवर्ड सर्विसेज कहलाएगी। मुझे कोचिंग सेंटर से 6,000 मिलने हैं, अब वो कोचिंग सेंटर वाला 6,000 मुझे स्टूडेंट से दिला दे थर्ड पार्टी पेमेंट। वैल्यू ऑफ सप्लाई कहीं से भी आ सकती है। सर सूरज अग्रवाल, मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई 6,000 है, मुझे कोचिंग वाले ने, मैंने कोचिंग वाले के कहने पर स्टूडेंट को सर्विस दी, अब वो पैसा मुझे कोचिंग वाले से आ जाए या स्टूडेंट से आ जाए? मैं हमेशा कोचिंग वाले को रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी सर्विसेज कोचिंग के लिए इनवर्ड सर्विसेज कहलाएगी, कोचिंग के लिए आउटवर्ड सर्विस स्टूडेंट वाली कहलाएगी। स्टूडेंट 10,000 रुपये डायरेक्ट कोचिंग को न देके इंस्टॉलमेंट में दो लोगों को दे दे। सर ये सारी बातें तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में बात हो चुकी है। क्या एक सप्लायर जब रेसिपिएंट को सर्विस देता है तो पैसा किसी और से भी आ सकता है, राइट? और रेसिपिएंट पैसा किसी और को भी दे सकता है, थर्ड पार्टी पेमेंट। मैं सर बहुत बार क्लास में बात हो रखी है, मैं सप्लायर हूं और आप रेसिपिएंट हैं, मैंने आपको सर्विस दी, आप पैसा मुझे दें या मेरे कहने पर मेरे स्टाफ को दे दें, मेरे मकान मालिक को दे दें, ठीक? सर मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, पैसा आप मुझे दे दें या मेरे कहने पर आप किसी और को दे दें, बस सिंपल सी बात है। या फिर मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, आपका पैसा आपसे नहीं आके किसी और से मेरे पास आ रहा है, आप किसी और से मुझे पैसा दिला दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है कि सप्लायर ने जिस रेसिपिएंट को सर्विस दी पैसा उसी से आना चाहिए, ये हमेशा बैकग्राउंड में ध्यान रखना। ये चीज काफी है, इतना समझाना, क्लैरिटी आ गई होगी मेरे हिसाब से। ये लिखिए चार्ट। ए लिमिटेड इंडियन एक्सपोर्टर ने बी लिमिटेड को $1,00,000 की सर्विसेज देनी है, मतलब बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को अप्रोच किया सर्विसेज के लिए $1,00,000 की। इंडिया से $60,000 की सर्विस गई, काम आउटसोर्स कर दिया सी लिमिटेड को $40,000 का। तो बी लिमिटेड ने पेमेंट कर दी सी लिमिटेड को 40,000 की और हमें कर दी 1,00,000 की। ये किसका इंस्ट्रक्शन था? ए लिमिटेड का ही तो इंस्ट्रक्शन था। जनरली बिल टू शिप टू मॉडल गुड्स के लिए भी चलता है, सर्विसेज के लिए भी चलता है। सर बी और सी का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सब ए लिमिटेड के माध्यम से बात कर रहे हैं। ए लिमिटेड ने कहा बी लिमिटेड को पे कर दो, सी लिमिटेड को $40,000 पे कर दिया। ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को कहा कि जाके बी लिमिटेड को सर्विस दे दो, सर्विस दे दी। ए का कॉन्ट्रैक्ट बी से है, ए का कॉन्ट्रैक्ट सी से है, लेकिन फिजिकली सी लिमिटेड अप्रोच करता है बी को सर्विस देने के लिए और बी लिमिटेड अप्रोच करता है सी लिमिटेड को पैसा देने के लिए, क्योंकि बीच में इंस्ट्रक्शंस कहां से आ रही है? ए लिमिटेड से आ रही है। इंडिया में एक्सपोर्ट कितना मानेंगे, $60,000 या $1,00,000? तो फाइनल जवाब आया $1,00,000। इसे नोट कीजिए, वीडियो रोक के इसे नोट कीजिए। छोटा सा पोर्शन यहां पर मैंने बताया था कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड को काम दे रहा और ए लिमिटेड ने वो काम सी लिमिटेड से करवा दिया, आधा काम पूरा काम कुछ भी। एक चार्ट मैंने आपको यहां लास्ट में समझाने की कोशिश की, ठीक। 4 पेज का था ये चैप्टर, नहीं था, 3-4 एग्जांपल्स थे जिसको आपको डिस्कस करना था कभी भी मेरे साथ, वो हमने कर लिया। वीडियो रोकें, वीडियो रोकें। एक और एग्जांपल यहां पे है, सेम हमने जैसा क्लास में किया, पढ़ लेते हैं फटाफट। इलस्ट्रेशन जो एग्जाम में आ सकता है 4 से 5 मार्क्स के लिए। एबीसी लिमिटेड इंडिया हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज $5,00,000 का यूएस बेस्ड क्लाइंट से, बट ए लिमिटेड बोलता है मैं पूरी सर्विसेज नहीं दे पाऊंगा और एक्स वाई जेड मैक्सिको को अप्रोच किया, जो मेरी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मेरा ब्रांच नहीं है, थर्ड पार्टी है, कि भैया
तुम 40% तक सर्विस तुम दे दो उसको। फाइनली एबीसी लिमिटेड इंडिया शैल बी द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज फॉर द इंटायर वैल्यू। बस ये तो रीजन ही है सर, इंडिया भले पैसा ना आए पूरा, लेकिन मैक्सिको वाली सर्विसेज, एक्स वाई जेड लिमिटेड वाली सर्विसेज को हम लोग क्या मानेंगे? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी कौन पे कर दे? एबीसी। एबीसी लिमिटेड शैल बी द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस फॉर द इंटायर वैल्यू। द सर्विस प्रोवाइड बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड मैक्सिको टू द यूएस बेस्ड क्लाइंट शैल बी द इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय द एबीसी लिमिटेड। आईजीएसटी पे करेंगे, एलिजिबिलिटी आईटीसी की ले लेंगे। और फिर बोलता है हम इसे एक्सपोर्ट मान लेंगे, इवन इफ 60% ही पैसा इंडिया आया है, हम 100% मानेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? एक तो आरबीआई का अप्रूवल होना चाहिए, और रिवर्स चार्ज में इंपोर्ट ऑफ सर्विस मान के हमने इंडिया में आईजीएसटी पे किया हो। इन अदर वर्ड्स द एक्सपोर्ट बेनिफिट विल बी अवेलेबल फॉर द टोटल रियलाइजेशन ऑफ कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज ऑफ दिस एंड दिस। मतलब $5 लाख आपने रियलाइज कर लिया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा एग्जाम्स के लिए। सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या कहता है डेफिनेशन में? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन में कहता है फॉरेन करेंसी इंडिया आ जानी चाहिए, लेकिन $5 लाख में खाली 60% आया, $3 लाख, 40%, $2 लाख मैक्सिको चला गया। तो क्या हम इंडिया में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस $5 लाख मान के एक्सपोर्ट बेनिफिट्स इंडियन एक्सपोर्टर को रिफंड आईजीएसटी का देना शुरू कर दे, आईटीसी का, आईजीएसटी का? हाँ दे सकते हैं, बशर्ते कि मैक्सिको वाले काम को इंडियन एंटिटी ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस मान के आईजीएसटी पे कर लिया हो, और उस आईजीएसटी का भी आईटीसी ले सकते हैं, वो पैसा डूबेगा नहीं। बाय बाय, टेक केयर।